I said then, dearest, since 'tis so, since now at length my fate I know. Okay, so this is our poem, The Last Ride Together, written by Robert Browning. As I have already told you that he is one of the most famous optimistic writer और ऑप्टिमिस्टिक पॉइंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है, बहुत ही आशावादी कवि हैं. उन्होंने भी जो अपनी पोएम्स लिखी हैं वो काफ़ी सारे एलिमेंट्स पे लिखी हैं, जिसमें कि लव भी एक एलिमेंट है. तो यहाँ पे जो इस पोएम का जो सिचुएशन है वो ये है कि उनकी जो बिलवर है वो उनको छोड़ के चली गई है, ठीक है, या फिर वो किसी तरह से उससे अलग हो गए हैं. बट उन्होंने अभी क्या कहा है, एक रिक्वेस्ट अपनी बिलवर से रखी है कि क्या तुम मेरे साथ एक लास्ट राइड पर चलोगी, क्योंकि अब तो हम लोग अलग हो रहे हैं, है ना, और अब मुझे अपना भाग्य पता चल चुका है, तो क्या तुम आखिरी राइड पर मेरे साथ चलोगी. तो एक और जो टर्म है उसे हम बोलते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है, ये एक टर्म है जिसको हम अलग से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, लेकिन आप लिख जान लीजिए ड्रामेटिक मोनोलॉग को हम क्या कहते हैं कि जिसमें एक ड्रामा की तरह बात होती है, जिसमें दो कैरेक्टर्स आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन वो एक पोएम के फॉर्म में होता है और उसमें एक कैरेक्टर चुप रहता है, दूसरा सिर्फ बोलता रहता है, ठीक है. मैं इसको अच्छे से लेंथ में आपको एक्सप्लेन करूंगी, बट बिफोर दैट इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट दिस पोएम दैट इट इज अ लव लिरिक. लव लव एक थीम है इस पोएम की और ये लिरिक है जिसको गीत हम कहते हैं. So now I'm going to explain it. I said then, dearest, since 'tis so, since now at length my fate I know. मैंने कहा कि मेरी प्रिय अब इस तरह से है, ठीक है, कि अपना भाग्य मैं जान चुका हूँ. Since nothing all my love avails. अब मेरे लव को, मेरे प्रेम को कोई प्राप्ति नहीं है. Since all my life seemed meant for fails. है ना, अब जिस तरह से मेरी जिंदगी थी वो ऐसा लग रहा है कि वो फेल हो चुकी है, ठीक है, जो मेरी जिंदगी का उद्देश्य है वो फेल हो चुका है. सिंस दिस वॉज रिटन एंड नीड्स मस्ट बी, है ना, क्योंकि यही लिखा गया है और यही आवश्यकता भी है. माई होल हार्ट राइसेस अप टू ब्लेस योर नेम इन प्राइड एंड थैंकफुलनेस, है ना, मेरा पूरा हृदय उठकर तुम्हें आशीर्वाद देता है और तुम्हारे नाम में एक गर्व की अनुभूति करता है और तुम्हें धन्यवाद देता है. टेक बैक द होप यू गेव, है ना, वो उम्मीद वापस ले जाओ जो तुमने मुझे दी थी. आई क्लेम ओनली द मेमोरी ऑफ द सेम, मैं सिर्फ उनकी यादों का ही हकदार हूँ. एंड दिस बिसाइड इफ यू विल नॉट ब्लेम योर लीव फॉर वन मोर लास्ट राइड विद मी, है ना, और इसी के साथ ही यदि तुम मुझे कोई ब्लेम नहीं करती हो तो मैं तुमसे परमिशन चाहता हूँ कि एक आखिरी राइड मेरे साथ करने के लिए, कि चलो मेरे साथ एक आखिरी राइड पर चलो. ओके, My mistress bent that brow of her, है ना, my mistress, my girl, my friend, my beloved, जो थी उसने अपनी आंखें झुका ली, ब्रोज अपनी आंखें झुका ली, अपनी भौहें झुका ली. दो डीप डार्क आइज वर प्राइड डिमर्स, है ना, वो उसकी गहरी काली आंखें जहाँ पर जो गर्व है, आंखों में गर्व तो होता ही है, वेन सम गर्ल इज वेरी प्रिटी शी मस्ट बी हैविंग प्राइड इन हर सेल्फ. ओके, तो उसकी जो मिस्ट्रेस है वो भी बहुत सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो उसकी उन आंखों में गर्व है, डिमर्स मतलब मना करता है. वेन पिटी वुड बी सॉफ्टनिंग थ्रू फिक्स्ड मी एट ब्रीदिंग वाइल और टू, तभी उन्हीं आंखों से एक दया का भाव भी उभरता है, जो सॉफ्टनिंग बहुत ही सॉफ्ट लगता है उसकी आंखों में. वो एक या दो मिनट के लिए मुझे देखती रहती है. विद लाइफ और डेथ इन द बैलेंस राइट, है ना, और उस एक दो मिनट में मुझे जिंदगी या मृत्यु जैसा अनुभव हुआ. सही, राइट, ओके, है ना, शी गेव अफर्मेटिव, अफर्मेटिव नोड, है ना, उसने यू नो सकारात्मक वे में अपनी गर्दन झुकाई, ठीक है. माई ब्लड रिप्लेनिश्ड मी अगेन, ऐसा लगा कि मेरे शरीर में जो रक्त था वो दोबारा बहने लगा हो, दोबारा से मेरे शरीर में रक्त का संचार हुआ हो. माई लास्ट थॉट वॉज एट लीस्ट नॉट वेन, माई लास्ट थॉट वॉज एट लीस्ट नॉट वेन, मेरा जो आखिरी विचार था वो बेकार नहीं गया. आई एंड माई मिस्ट्रेस साइड बाई साइड, मैं और मेरी जो यू नो गर्ल थी है वो दोनों साथ साथ शैल बी टुगेदर ब्रीद एंड राइड, है ना, हम दोनों साथ साथ राइड करेंगे, सांस लेंगे और साथ रहेंगे. सो वन डे मोर आई एम डेइफाइड, एक दिन और मैंने उसको एक देवी का अवतार दे दिया, एक दिन और मैंने उसको अपनी यू नो गॉड मान लिया एक तरह से. हु नोज बट द वर्ल्ड मे एंड टू नाइट, सी ये कितना ऑप्टिमिस्टिक थॉट है किसका, हमारे राइटर का, कि क्या पता आज ही का वो दिन हो जब पूरा संसार खत्म हो जाए, है ना, और हम दोनों हमेशा के लिए साथ हो जाए, जबकि ये उनकी आखिरी राइड है. ओके,